हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कौन बनेगा जी जयसपति दोस्तों मैंने शुरुआत की है आपके लिए लिशेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है इसके प्रत्येक सेगमेंट सेग्में, को लाइन वाइज पॉइंट वाइज मैं आपको इन सारे टॉपिक्स पे आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराने का मैंने कमिटमेंट किया था तो दोस्तों इसी क्रम में मैंने आपको पहली वीडियो दी थी हिस्ट्री के बारे में इतिहास के बारे में उसके बाद मैंने आपसे रिस्पॉन्स मांगा था और दोस्तों आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया तो उसके बाद रिक्वेस्ट ये की गई कैंडिडेट्स के द्वारा कि सर प्लीज़ और टॉपिक्स पे भी वीडियोस प्लीज़ प्लीज प्लीज प्रोवाइड कराइए जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी इकोनॉमी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोस्तों इसी क्रम में आपके सामने प्रस्तुत है जोग्रफ़ी जी हाँ भूगोल तो भूगोल का पार्ट वन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत आवाज में दोस्तों इस रिकॉर्डिंग को सुनते समय अपने पास लिशेंट की जो बुक है आप जिस भी मीडियम से हो हिंदी इंग्लिश दोनों में से आप कोई भी कैरी कर सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल समझ में आएगा और सर अगर एक दो तीन बार आपने इस प्रोसेस कर लिया है इन वीडियो को दो तीन बार सुन लिया है तो डेफ़िनेटली सर आपको जी एस उंगलियों पर आ जाएगी सर और अगर आपने जी अच्छे से तैयार कर ली सर लिशेंट ही तैयार कर ली ना तो लिया जितने भी बनडे एग्जाम्स हैं इनको आप ईजिली यहाँ पर फोर्टी प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो तो गैस आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज तो प्लीज वीडियोज को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वेल वाला आइकॉन है उसको हिट जरूर करें जिससे होगा क्या आगे जो भी वीडियोज मैं बनाऊँगा वो आपके पास सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो दोस्तों लेट्स एंजॉय द वीडियो ऑल द बेस्ट अध्याय दो भूगोल भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है भूगोल शब्द को परिभाषित करने तथा पृथ्वी की परिधि निर्धारित करने के कारण यूनानी विद्वान इरेटोस्थिनिज को भूगोल का पिता कहा जाता है ने अपनी पुस्तक पेरीडाइज में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया इरेटोस्थिनिज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम का शब्द का प्रयोग किया एनेक्सीमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ इसकी दो विचारधाराएं थी एक संभववाद दो निश्चयवाद एक संभववाद इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वो प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोल वेता चाइडल डीला ब्लाश और फ्रेबवे दो निश्चयवाद इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर रेडजेल और इसी लंगटन। भूगोल की कुछ परिभाषाएं एक भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों स्थल महासागरों जीव जंतुओं वनस्पति फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है दो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा माये विज्ञान है क्लेडियस टोलेमी. तीन भूगोल वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों घटनाओं एवं उसके अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है कार्ल रिटर. चार भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है दो सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों क्षुद्र ग्रहों धूम केतुओं उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहते हैं सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग निन्यानवे दशमलव नौ 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 द्रव्य सूर्य में निहित है सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है सूर्य सूर्य सन सौरमंडल का प्रधान है यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला का केंद्र से लगभग तीस हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है ये दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष है जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर कहते हैं सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवी भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन इकहत्तर प्रतिशत ही छब्बीस एवं अन्य तत्व दो होता है सूर्य का केंद्रीय भाग करोड़ कहलाता है जिसका ताप 1.5 दशमलव पाँच गुणा दस की पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है Beth, ने बताया कि 10 की पावर सात डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर चार हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हेलियम नाभिक का निर्माण करता है अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है सूर्य की दीप सतह पर प्रकाश मंडल फोटोस्वेयर कहते हैं प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है इसे वर्णमंडल क्रोमोस्पेयर कहते हैं ये लाल रंग का होता है प्रश्न 105। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट और रोना कहते हैं सूर्य किरीट रे उत्सर्जित करता है इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है सूर्य की उम्र पांच बिलियन वर्ष है भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय दस की पावर ग्यारह वर्ष है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 दशमलव सेकेंड का समय लगता है सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर ओरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है पहले 11 वर्षों तक ये धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक ये धब्बा घटता है जब सूर्य की सतह पर दब दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉम उत्पन्न होते हैं इससे चुंबकीय सूर्य की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो टेलीविजन बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है सूर्य का व्यास तेरह लाख बयानवे हजार किलोमीटर है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है सूर्य हमारी पृथ्वी से तेरह लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का दो अरब भाग मिलता है सौर मंडल के पिंड अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आई की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है एक परंपरागत ग्रह बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण दो बौने ग्रह प्लूटो चेरोन सेरस 2003 हजार तीन यूबी तीन सौ तेरह तीन लघु सौरमंडलीय पिंड धूमकेतु उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड ग्रह ग्रह वो खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो एक जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो दो उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वो गोल स्वरूप ग्रहण कर सके तीन उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा आई की प्राग सम्मेलन अगस्त दो में तय की गई है ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या नौ से घटकर आठ रह गई यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है एक पार्थिव या आंतरिक ग्रह टेरिस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। बुद्ध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं तीन बृहस्पति या बाह्य ग्रह जोवेन और आउटर प्लैनेट। बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है कुलाठ ग्रहों में से केवल पांच को नंगी आंखों से देखा जा सकता है जो है बुध शुक्र शनि बृहस्पति एवं मंगल आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल एवं बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है शनि यूरेनस बृहस्पति नेपच्यून मंगल एवं शुक्र शुक्र एवं अरुण यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है पृष्ठ एक बुध बुद्ध मरकरी ये सूर्य का सबसे छोटा नजदीकी ग्रह है ये सूर्य निकलने के दो घंटा पहले दिखाई पड़ता है ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है शुक्र वीनस ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं यह घनत्व आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है बृहस्पति जुपिटर यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 28 है जिसमें गयानो मीड सबसे बड़ा उपग्रह है ये पीले रंग का उपग्रह है मंगल मार्स इसे लाल ग्रह रेड प्लान कहा जाता है इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली पच्चीस डिग्री के कोण पर झुका हुआ है जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है इसके दिन का का मान एवं अक्ष झुकाव पृथ्वी के समान है यह अपनी धुरी पर चौबीस घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है इसके दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस सूर्य की परिक्रमा करने में इसे छह दिन लगते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से तीन गुना अधिक ऊंचा है इसी ग्रह पर स्थित है शनि सैटन ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना मोटी प्रकाश वाली कुंडली इसके उपग्रहों की संख्या तीस है जो सबसे अधिक है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है, है यह आकार में बुद्ध के बराबर है फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है अरुण यूरेनस यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है इसकी खोज सत्रह ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई है इसके चारों ओर नौ वलयों में पांच वलयों का नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा एवं इप्सिलोन है यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं पृष्ठ एक सौ सात यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं इसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है इसके 21 उपग्रह हैं जिनमें एरियल तथा मिरांडा प्रमुख हैं। वरुण नेपच्यून इसकी खोज 1846 सौ ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की है नई खगोलीय व्यवस्था में ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है ये हरे रंग का ग्रह है इसके चारों ओर अति शीतल मिथेन का बादल छाया हुआ है इसके आठ उपग्रह हैं जिनमें टाइटन प्रमुख हैं पृथ्वी अर्थ ये आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है गिस्तौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है इसका विश्ववर्तीय व्यास बारह किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास बारह किलोमीटर है पृथ्वी अपने अक्ष पर तेईस सही 1 एक बटा दो डिग्री झुकी हुई है यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तेईस घंटे छप्पन मिनट और चार सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं इस गति से दिन रात होते हैं पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में तीन सौ पैंसठ दिन पांच घंटे अड़तालीस मिनट छियालीस सेकंड लगभग तीन सौ पैंसठ दिन छह घंटे का समय लगता है सूर्य के चातुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहते हैं पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग छह घंटा बढ़ जाता है जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है लीप वर्ष तीन दिन का होता है जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष छियासठ डिग्री का कोण बनाता है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है ये पृथ्वी से चार प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है नोट 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ आई की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया क्योंकि इसके कक्षा वृत्ताकार नहीं है और ये वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है चंद्रमा मून चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है प्रश्न 108. इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं ये चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लीब निर्ज पर्वत है जो 3,500 फुट यानी दस मीटर ऊंचा है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है पृथ्वी से चंद्रमा का सत्तावन प्रतिशत भाग को हम देख सकते हैं चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ अठावन दशमलव अड़तालीस डिग्री का अक्ष कोण बनाता है चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है चंद्रमा का व्यास तीन हजार चार सौ अस्सी किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग एक बटा आठ है पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घ है सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि उन्तीस दशमलव तिरपन दिन यानी उन्तीस दिन बारह घंटे चौवालिस मिनट और दो दशमलव आठ सेकेंड होती है इस समय को एक चंद्र मास या साइनोडिक मास कहते हैं नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग सत्ताईस सही एक बटा दो दिन यानी सताइस दिन सात घंटे तिरालीस मिनट और ग्यारह दशमलव छह सेकेंड में पुनः उसी स्थिति में होता है सताइस सही एक बटा दो दिन की ये अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात ग्यारह अनुपात पाँच है अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई गई है बौने ग्रह यम प्लूटो इसकी खोज 1930 सौ ईस्वी में क्लाड टामवो ने की थी अगस्त 2006 की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है एक आकार में चंद्रमा से छोटा होना दो इसके कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना तीन वरुण का कक्षा को काटना आई ने इसका नया नाम एक, वन थ्री फोर, थ्री फोर रखा है सेरस इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था आई ए यू की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है जहां इसे संख्या एक से जाना जाएगा इसका व्यास बुद्ध के व्यास का एक बटा पांच भाग है अन्य बौने ग्रह हैं चेरौन एवं 2003 हजार 313 यू बी इरिस लघु सौर मंडल के पिंड क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है महाराष्ट्र में लोनार झील ऐसा ही एक गर्त है फॉरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है प्रश्न एक सौ नौ धूम केतु कॉमेट सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूम केतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं ये गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं धूमकेतु केवल के तभी दिखाई पड़ता है जब वो सूर्य की ओर अग्रसर होता है क्यूँकी सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है धूमकेतु की पूछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल छिहत्तर वर्ष है यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था अगली बार ये 1986 प्लस छिहत्तर बराबर दो में दिखाई देगा धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं। फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है उल्का मिटियोरस उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं उलका ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कर्ण होते हैं सौर परिवार की सारणी ग्रहों के नाम बुध व्यास किलोमीटर में चार हजार परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर अठावन दिन परिक्रमण का समय सूर्य के चारों ओर अठासी दिन उपग्रहों की संख्या शून्य शुक्र व्यास 12102 किलोमीटर परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर दो दिन परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर दो दिन उपग्रहों की संख्या शून्य पृथ्वी व्यास बारह हजार सात सौ छप्पन डैश बारह हजार सात सौ चौदह परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर तेईस दशमलव नौ घंटे परिक्रमण समय तीन सौ पैंसठ दशमलव छब्बीस दिन उपग्रहों की संख्या एक मंगल व्यास छह हजार सात सौ सतासी परिभ्रमण समय चौबीस दशमलव छह घंटे परिक्रमण समय छह सौ सतासी दिन उपग्रहों की संख्या दो बृहस्पति व्यास एक लाख बयालीस हजार आठ सौ किलोमीटर परिभ्रमण समय नौ दशमलव नौ घंटे परिक्रमण समय ग्यारह दशमलव नौ वर्ष उपग्रहों की संख्या अट्ठाईस शनि व्यास एक लाख बीस हजार पांच सौ किलोमीटर परिभ्रमण समय एक दस दशमलव तीन घंटे परिक्रमण समय उन्तीस दशमलव पांच वर्ष उपग्रहों की संख्या तीस अरुण व्यास इक्यावन हजार चार सौ किलोमीटर परिभ्रमण समय सोलह दशमलव दो घंटे परिक्रमण समय चौरासी दशमलव शून्य वर्ष उपग्रहों की संख्या इक्कीस वरुण व्यास अड़तालीस हजार छह सौ किलोमीटर परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर अठारह दशमलव पांच घंटे परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर एक सौ दशमलव आठ घंटे उपग्रहों की संख्या आठ तीन पृथ्वी और उसका सौर्य संबंध प्रकाश चक्र सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वो दीर्घ है अतः तीन जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है जिसे उपसारिक की स्थिति कहते हैं। दूरी करोड़ मील है। इसके विपरीत उत्तरायण की स्थिति में चार जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है इसको अपसेरिक एपहेलियन कहते हैं यह दूरी 9.45 करोड़ मील होती है एपसाइड रेखा उपसेरिक एवं अपसैरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है इसे एप्साइड रेखा कहते हैं अक्षांश लैटिट्यूड ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है वास्तव में अक्षांश वो कोण है जो विश्ववत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है विश्ववत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं इसकी अधिकतम सीमा पर ध्रुव है जिन्हें 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। पृष्ठ 110। सौ दस तो वो दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्षेत्रफल जोन के नाम से जानी जाती है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा के उत्तर में तेईस सही एक बटा दो डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना गया है जबकि दक्षिण में तेईस सही एक बटा दो डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना गया है देशांतर लॉन्गिट्यूड ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है ध्रुवों से विश्ववत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विश्ववत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर होती है ग्रीनविच वैदशाला से गुजरने वाली रेखा को जीरो डिग्री देशांतर माना जाता है इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है संक्रांति सोलस्टाइस सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा कोष्ठक में तेईस सही एक बटा दो डिग्री नॉर्थ कोष्ठक समाप्त पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है इसे मकर संक्रांति कहते हैं इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है विष्णु इक्ुनोक्स ये पृथ्वी की वो स्थिति है जब सूर्य की किरणें विश्ववत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं 22 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं इसे क्रमशः शरद विष्णु ऑटोमेनल इक्ुनोक्स एवं वसंत विष्णु वर्नल इक्वनोक्स कहते हैं सूर्य ग्रहण सोलर एक जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या न्यू मून को ही होता है चंद्र ग्रहण ल्यूनियर एक जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा फुल मून की रात्रि में ही होता है प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ ऑर्बिट पाथ में पांच डिग्री के अंतर होता है जिसके कारण चंद्रमा कभी का पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है एक वर्ष में अधिकतम तीन बार पृथ्वी के उप छाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है समय का निर्धारण एक देशांतर का अंतर होने पर समय में चार मिनट का अंतर होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है परतः पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय चार मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिमी जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय चार मिनट घटता जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं अठारह सौ ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में एक सौ अस्सी वे यामोत्तर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर चुकी सागर बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है ग्रीनविच मेरिडियन से गणना करते हुए इस रेखा एक सौ अस्सी व के पूर्व वाले क्षेत्र एक दिन आगे होंगे या दूसरे शब्दों में इस रेखा से पश्चिमी वाले क्षेत्रों से बारह घंटे आगे होंगे पृष्ठ एक जब कोई जलियान पश्चिमी दिशा में यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार करता है तो उसे एक दिन की हानि होती है क्योंकि इस क्षेत्र में समय 12 घंटे पीछे चल रहा होता है जैसे सोमवार के बाद रविवार आना परंतु यदि जलयान पूर्व की यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार करता है तो एक दिन का लाभ होता है जैसे यदि वो सोमवार को यात्रा प्रारंभ करता है तो तिथि रेखा पार करने पर नए क्षेत्र में बुधवार का दिन उसे प्राप्त होगा नोट बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है समय जोन व मानक समय विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में एक घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है ग्रीनविच सियामोत्तर जीरो डिग्री देशांतर पर है जो कि ग्रीनलैंड व नार्वोनियन सागर व ब्रिटेन स्पेन अल्जीरिया फ्रांस माले बुरकी फासो घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है मानक समय स्वेच्छा से चयनित या का स्थानीय समय होता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है भारत में बयासी सही एक बटा दो डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है ये समय ग्रीनविच मीन टाइम से बाद सही एक बटा घंटा आगे है अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के पांच सही एक बटा दो बजेंगे रेखा, इक्वेटर, की मध्य सतह से होकर चली जाने वाली वो अक्षांश रेखा है जो उत्तरी और एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है ये शून्य अंश की अक्षांश रेखा है विश्ववत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं कटिबंध जोन प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है इन भागों को कटिबंध कहते हैं ये निम्न है एक उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन विश्ववत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग यहाँ वर्ष में दो बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है दो उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन तीस डिग्री से पैतालीस डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित एक क्षेत्र जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। शीतोष्ण टेम्परेट जोन 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अतः यहां ताप हमेशा कम रहता है चार ध्रुवीय कटिबंध पोलर जोन 66 डिग्री से नब्बे डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र जहां ताप अत्यंत ही कम रहता है जिसके फलस्वरूप वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है चार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई घनत्व तापमान भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है फिर भी तापमान दबाव घनत्व उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं पृथ्वी के अंतर के हिस्से को तीन भागों में बांटा गया है एक भूपरपटी क्रस्ट दो आवरण मेंटल एवं तीन केंद्रीय भाग कोर भूपरपटी क्रस्ट पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपटी कहते हैं यह अंदर की तरफ चौतीस किलोमीटर तक का क्षेत्र है यह मुख्यतः वेसाल्ट चट्टानों से बना है इसके दो भाग हैं एक सियाल और दो सीमा सियाल क्षेत्र में सिलिकन एवं एलुमिना एवं सीमा क्षेत्र में सिलिकन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है कर्स्ट भाग का औसत घनत्व दो दशमलव सात ग्राम प्रति सेकंड की पावर तीन है ये पृथ्वी के कुल आयतन का जीरो दशमलव पाँच प्रतिशत भाग घेरे हुए है पृष्ठ एक सौ बारह वो की रचना सामग्री सबसे अधिक ऑक्सीजन छियालीस दशमलव अस्सी प्रतिशत दूसरे स्थान पर सिलिकन सत्ताईस दशमलव बहत्तर प्रतिशत और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम आठ दशमलव तेरह प्रतिशत है मेंटल उन्तीस किलोमीटर मोटा ये क्षेत्र मुख्यतः बैसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं इसका औसत घनत्व तीन दशमलव ग्राम प्रति सेकंड की पावर तीन से 5.5 दशमलव ग्राम प्रति सेकंड की पावर तीन है ये पृथ्वी के कुल आयतन का तिरासी प्रतिशत भाग घेरे हुए है कोनराड असंबद्धता ऊपरी कष्ट एवं निचले कष्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं मोहसिविक डिसकंटिन्यूटी कास्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं गुटेनबर्ग विषाट असंबद्धता निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विषाट असंबद्धता कहते हैं लेहमेन संबद्धता बाह्य कोट तथा आंतरिक कोर के सीमा क्षेत्र को असंबद्धता कहते हैं केंद्रीय भाग कोर पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग कोर कहते हैं ये क्षेत्र निकेल व फेरस का बना है इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेकंड की पावर तीन है पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है ये पृथ्वी का कुल आयतन का 16 प्रतिशत भाग घेरे हुए है पृथ्वी का औसत घनत्व पाँच दशमलव पाँच ग्राम प्रति सेकंड की पावर तीन एवं औसत त्रिज्या लगभग छह हजार तीन सौ सत्तर किलोमीटर है पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति बत्तीस मीटर की गहराई पर तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जार्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है ये क्षेत्र समुद्र तल से औसतन चार सौ मीटर नीचा है सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है सराइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है जेम्स जीन ने इस नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः चार भागों में बांट सकते हैं एक स्थल मंडल लाइथोस्फेयर दो जल मंडल हाइड्रोस्फेयर तीन वायुमंडल एटमोस्फेयर चार जैव मंडल बायोस्फेयर पाँच स्थल मंडल पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं स्थल मंडल कहलाती है पृथ्वी के कुल उन्तीस प्रतिशत भाग पर स्थल तथा इकहत्तर प्रतिशत भाग पर जल है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का इकसठ प्रतिशत तथा दक्षिणी गोलार्ध के इक्यासी प्रतिशत क्षेत्र में जल का साम्राज्य है पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,033 मीटर की है इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली बीस ऐसी बारह किलोमीटर है चट्टान रॉक पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं उत्पत्ति के आधार पर ये तीन प्रकार की होती है एक आग्नेय इग्नियस दो अवसादी सेडिमेंटरी तीन कायांत्रित मेटामॉर्फिक एक आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है जैसे ग्रेनाइट बेसाल्ट पेग्माटाइट डायोराइट ग्रेबो आदि पृष्ठ 113 आग्नीय चट्टान स्थूल परत रहित कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टान है इसमें चुंबकीय लोहा निकेल तांबा सीसा जस्ता क्रोमाइट मैग्नीज सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है इस चट्टान के क्षणन से काली मिट्टी का निर्माण होता है पेग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अम्भ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है आग्नेय चट्टानी पिंड आइग्नियोस रॉक बॉडीज मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं इनका नामकरण इनके आकार रूप स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है अधिकांश चट्टानी पिंड अंतरवे आग्नेय चट्टानों से बनते हैं एक बैथोलित ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है वास्तव में ये एक पातालीय पिंड है ये एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं इसका ऊपरी तल विषम होता है ये मूलतः ग्रेनाइट से बनता है संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलित चालीस हजार वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलित इससे भी जो बड़ा है दो स्टॉक छोटे आकार के बैथोलित को स्टॉक कहते हैं इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुम्बद नुमा होता है स्टॉक का विस्तार सौ वर्ग किलोमीटर से कम होता है तीन लेकोलिथ जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे लेकोलिथ कहते हैं मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण ये गुंबदकार ठोस पिंड छत्रीनुमा दिखाई देता है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं नोट थ बहिर्दी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतरवे प्रतिरूप है चार लैपोलित जब मैग्मा जमकर तश्तरी रूमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलित कहते हैं लैपोलित दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं पांच फैकोलिथ जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलित कहलाता है छह सिल जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं इसकी मोटाई एक मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं एक मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं सात डाइक जब मैगमा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं दो अवसादी चट्टान सीडियम रॉक प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी-छोटी किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव का रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं जैसे बलुआ पत्थर चूना पत्थर स्लेट कांग्लोमेरेट नमक्की चट्टान एवं शेलखरी आदि अवसादी चट्टाने परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है इन चट्टानों में लोह अयस्क फास्फेट कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टाने पाई जाती हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है अप्रवेशीय चट्टानों को दो परतों के बीच यदि प्रवेशीय शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है तीन कायांत्रित चट्टान रॉक ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्न एवं अवसादी चट्टानों से कायांत्रित चट्टान का निर्माण होता है प्रश्न एक चट्टानों का रूपांतरण आग्निय और कायांत्रित ग्रेनाइट का नीस साइनाइट कायांत्रित साइनाइट नीस आग्नीय ग्रेबो कायांत्रित सरपेंटाइन आग्नीय बेसाल्ट कायांत्रित सिस्ट आग्नीय बिटुमिनस कोयला कायांत्रित ग्रेफाइट अवसादी और कायांत्रित अवसादी सरपेंट कायांत्रित सरपेंट सिस्ट अवसादी बलुआ पत्थर कायांत्रित क्वार्टजाइट अवसादी शेल कायांत्रित स्लेट अवसादी चूना पत्थर कायांत्रित संगमरमर अवसादी लिग्नाइट कोयला कायांत्रित एंथ्रोसाइट कोयला कायांत्रित स्लेट कायांत्रित फ्लाइट फाइलाइट कायांत्रित फाइलाइट, कायांत्रित सिस्ट, ज्वालामुखी ज्वालामुखी वॉल्केनो भूपटल पर वो प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा राख भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंटर कहते हैं उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी तीन प्रकार की होती है एक सक्रिय ज्वालामुखी दो प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीन मृत या शांत ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो इसमें अक्सर उद्गार होता है वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या पांच है इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्टाम्बोली मेक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है इसमें 40 बार बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है स्ट्राम्बोली सागरी में सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिससे आस का भाग प्रकाशित रहता है इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी डोमेंट वॉल्केनो जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है इसके उदाहरण हैं विसुवियस भूमध्य सागर क्राकाटोवा सुंडा, जलडमरू मध्य प्यूजियामा जापान मेयन फिलीपींस तीन शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वैसा ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो इसके उदाहरण हैं कोहो सुल्तान एवं देववन ईरान पोपा म्यांमार किली मंजारो अफ्रीका अमेरिका कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है गेसर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसी को गैसर कहा जाता है जैसे ओल्ड फेथफुल गैसर ये यूएसओ के येलोस्टोन पार्क में है इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी इक्वाडोर है जिसकी ऊंचाई उन्नीस फीट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजल डेस सालाडो छ मीटर एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है पृष्ठ 115 भूकंप भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप अर्थक्वेक की तीव्रता की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है भूकंप की तीव्रता मापने वाली रिक्टर रिक्टर स्केल कास्क विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स द्वारा 1935 में की गई थी। इस स्केल पर दो दशमलव शून्य या तीन दशमलव शून्य की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है जबकि छह दशमलव दो की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है भूकंप में तीन तरह के कंपन होते हैं एक प्राथमिक तरंग प्राइमरी वेव ये तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है इसकी औसत वेग आठ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है ये गति सभी तरंगों से अधिक होती है जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुँचती है दो द्वितीय तरंगे सेकेंडरी वेब्स इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं ये तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। इसकी औसत वेग चार किलोमीटर प्रति सेकंड होती है तीन एल तरंगे एल वेव्स इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है इन तरंगों की खोज एच डी लव ने की थी कई बार इन्हें लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है इनका अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट वेव्स हैं। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। इसकी एक दशमलव डैश तीन किलोमीटर प्रति सेकंड है भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं एक सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है दो केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है तीन गौड़ तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती चार एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। पांच विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। केंद्र भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं भूकंप के केंद्र के निकट पी एस तथा एल तीनों प्रकार के तरंगे पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 हजार किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 हजार किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 हजार किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुँचती है इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र शेडो जोन कहा जाता है अधिकेंद्र एपी सेंटर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं अंत भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है विभिन्न स्थलाकृतियां निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। एक पर्वत दो पठार तथा तीन मैदान एक पर्वत उत्पत्ति के अनुसार पर्वत चार प्रकार के होते हैं ए ब्लॉक पर्वत ब्लॉक माउंटेन जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग के नीचे धस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं बीच में धसे भाग को ग्रिफ्ट घाटी कहते हैं इन पर्वतों के शीर्ष समतल पर तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है वाजेस फ्रांस ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी सोल्ट रेंज पाकिस्तान नोट विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बजी नदी तक 4,800 किलोमीटर लंबी है पृष्ठ 116 बी अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा नीलगिरी पार्सरनाथ राजमहल की पहाड़िया भारत सियारा स्पेन गैसा एवं बूटे अमेरिका सी संचित पर्वत अक्यूमलेटेड माउंटेन भूपटल पर मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं डी वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं ये लहरदार पर्वत हैं, जिन पर असंख्य अपनतियां और अभिनतियाँ होती हैं, जैसे हिमालय आल्पस यूराल रॉकीज एंडीज आदि वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत भू का सिद्धांत कोबर तापीय संकुचन सिद्धांत जेफीज महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर संवहन तरंग सिद्धांत होम्स रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जोली प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हेरी पाकर मॉर्गन आदि जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में टैथिस ना, सागर नामक विशाल भू अभिनीति अथवा भू द्रोणी थी दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण तैथिस सागर में बल पड़ गए और वो ऊपर उठ गया जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं दो पठार प्लेटियो धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार सोलह हजार फीट बोलिविया का पठार 12,000 हजार फीट कोलंबिया का पठार 7,800 हजार फीट पठार निम्न प्रकार के होते हैं ए अंतर पर्वतीय पठार पर्वतमालाओं के बीच बने पठार बी पर्वत पदीय पठार पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग सी महाद्वीपीय पठार जब पृथ्वी के भीतर जमा लेखोलित भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं जैसे दक्षिण का पठार डी तटीय पठार समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार ई गुंबदाकार पठार चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार जैसे रामगढ़ गुंबद भारत तीन मैदान प्लेन 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठों के समतल भाग को मैदान कहते हैं मैदान अनेक प्रकार के होते हैं एक अपर्दनात्मक मैदान नदी हिमानी पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं जो निम्न हैं। ए लोएस मैदान हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कड़ों से निर्मित होता है बी कार्स्ट मैदान चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित चट्टान सी संप्राय मैदान समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है डी ग्लेशियल मैदान हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं पृष्ठ एक सौ सत्रह ई e, रेगिस्तानी मैदान वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है दो निक्षेपात्मक मैदान नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है इसमें गंगा सतलज मिसिसिपी एवं वांगहो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान डेल्टा का मैदान प्रमुख है भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति एक उत्स्रुत कुआ आर्टिशियन वेल well, दो गीजर तीन घोल रंध्र चार डॉलाइन पांच कार्स्ट झील छह युवाला सात पोलियो आठ कंदरा नौ स्टेलेक्टाइट दस स्टेलेमेगमाइट नौ लैपीज़। नोट सर्वाधिक उत्सुत कुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दो सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति एक सर्फ दो वेला चली तीन तंगारिका चार पुलिन पांच हुक छह लूप सात टॉम्बोलो तीन हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति एक सर्क दो टॉन तीन अरेठ, चार, चार पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति एक जियोगेन दो यार्डंग तीन वर्ग, चार छत्रक पांच प्लेअप छह लैगून, सात बरखान आठ लोएस पांच समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति एक समुद्री भृगु दो भुजिहा तीन लैगून झील चार रिया तट भारत का पश्चिमी तट पांच स्ट्रेक छह डोलमेशियन यूगोस्लाविया का तट वन फॉरेस्ट वन निम्न प्रकार के होते हैं ए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इस प्रकार का वन विश्ववत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है यहां पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। बी उष्ण कटिबंधीय अर्ध पथ जड़ वन ट्रॉपिकल एक सौ सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन वन, में पाए जाते हैं। सी वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है जैतून कार्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं डी टैगा वन ये सदाबहार वन है इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। ई e. टुंड्रा वन ये बर्फ से ढका रहता है गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं एफ पर्वतीय वन यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं घास के मैदान घास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है ए उष्ण कटिबंधीय घास भूमिया इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे सवाना अफ्रीका कंपोज ब्राजील लानोस वेनेजुएला व कोलम्बिया बी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमिया इसे निम्न नाम से जाना जाता है प्रेयरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा पंपास अर्जेंटीना वेल्ड दक्षिण अफ्रीका डाउन्स ऑस्ट्रेलिया स्टेपी एशिया यूक्रेन रूस चीन के मंचूरिया प्रदेश हेलो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को अंत तक सुना होगा और डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी पहले से ज़्यादा सर इस ये टेक्निक जो है जीएस पढ़ने की अब तक की सबसे अच्छी टेक्निक्स में से एक है क्योंकि सर हम जब जीएस एक बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं केवल बुक देख के तो चीज़ें हमको पढ़ने के लिए एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है और जहां हमको बहुत जल्दी नींद आने लगती है इसमें होता क्या है कि आपको कोई पीछे से सा सारा कंटेंट डिलीवर्ड कर रहा है ऑडियो फॉर्म में और आप सारी चीज़ें देख रहे हैं बुक में वीडियो फॉर्म में तो सर कहीं ना कहीं ऑडियो वीडियो विजुलाइजेशन आपके सामने रहा होगा ये बिल्कुल एक पिक्चर देखने जैसा अनुभव है अगर इस प्रोसेस को आप तीन चार बार रिपीट कर लेंगे तो सर जी आपके टिप्स पे होगी तो दोस्तों आप मेरी बस यही दुआ है कि आप सभी लोग ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें आपको जी से कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद इस ऑडियो को सुनने के बाद लाइक करना ना भूलें कमेंट करना ना भूलें और सर शेयर तो प्लीज़ प्लीज़ जरूर से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो वेल का आइकॉन है उसको हिट जरूर कर दीजिए जिससे क्या हो मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो या ऑडियो अपलोड करूं जिससे कि होगा क्या आपके पास सीधे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी कोई भी ऑडियो वीडियो मिस नहीं होगी तो दोस्तों टिल देन थैंक यू तब तक सावधान रहें सुरक्षित रहें ऑल द बेस्ट और इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए सपोर्ट करने के लिए हर वक्त हमेशा आपके लिए तैयार हूँ ऑल द बेस्ट दोस्तों टेक केयर